नहीं तो जनरली क्या होता है इंटरव्यू शोज में वो ओपन अप नहीं होने देते हैं वो कहते हैं नहीं ये मत बोलिए वो मत बोलिए बीच में क्या हुआ कि हमारे सरहद के पार से कुछ ऐसे सिंगर्स आ गए जिनकी वजह से थोड़ा सा उनको ज़्यादा काम मिल गया हम लोगों को कम हो गया काम mm. क्या आप सिंगर को सच बात बता दें आज लोग आजकल क्या गोलमोल बातें करते हैं mm. पेमेंट तो कर करना दूर की बात है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी नमस्ते आदा प्रणाम सत्याकाल मैं हूं आपकी अपनी सायिशा और आप देख रहे हैं आर रागा दोस्तों आज के एपिसोड में ना बहुत ज़्यादा धमाल और मजा होने वाला है क्योंकि आज का जो एपिसोड है ना वो एक कंप्लीट पैकेज होगा आज के जो हमारे फनकार हैं जिनसे हम रूबरू होंगे वो बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर तो हैं ही हैं लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया शेफ एक बहुत ही मंजे हुए वॉइस ओवर और डबिंग आर्टिस्ट और साथ ही साथ पैशनेट फोटोग्राफर भी हैं और यहाँ तक कि मल्टीलिंग सिंगर भी हैं इन्होंने एपिक गाने हमें दिए हैं जिनमें से अगर मैं नाम लूँ तो वो हैं मैं जहाँ रहूँ मौला मेरे ले ले मेरी जान तो बिना इंतजार कराए है, बुलाते हैं ना आज के गेस्ट को कृष्णा ब्योरा है आपका आर रागा में। Thank you. मुझे एक बात समझ नहीं आती कृष्णा कि हाल ही में आपका एक गाना मेरा इंतकाम देखेगी hmm. एक हिट नंबर रहा Correct. और इससे पहले भी आपने बैक टू बैक हिट नंबर्स दिए हैं। Correct. मैं बोलूंगी हैं। उसके बावजूद भी आप अपने आप को एक अंडर सिंगर बोलते हैं ऐसा क्यों देखिए मेरे फैंस जो हैं मेरे को एड्रेस करते हैं बिकॉज दे आर वेरी सैड अबाउट इट के मेरे बहुत सारे गाने नहीं आते एंड वाई बॉलीवुड इज़ डूइंग यू नो एक कहते हैं ना सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा mm. जबकि ऐसा कुछ नहीं है आ, बट बीच में क्या हुआ कि हमारे सरहद के पार से कुछ ऐसे सिंगर्स आ गए जिनकी वजह से थोड़ा सा उनको ज़्यादा काम मिल गया हम लोगों को कम हो गया काम mm. तो ये तो हमारे यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम है कि वो यू you नो know, मुझे किसी भी सरहद के मतलब हमारे हिंदुस्तान देखो आर्ट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आ, हम काम करते हैं जब तो उसमें कोई बाउंड्रीज़ या कोई रिलीजन या कोई चीज़ नहीं होता है हर एक देखो मैं भी ख्वाजा साहब के लिए गाता हूँ मेरा नाम कृष्णा है यू you नो know, और मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाई बहन देखे हैं जो कि जो कि यू नो गायत्री मंत्र भी उन्होंने गाए हैं और लेकिन दिक्कत कहाँ होती है दिक्कत तब होती है जब हमारे यहाँ के लोगों को कम काम मिले और दूसरे लोग आके हमारा काम ले जाएं वो थोड़ा एक सैडनेस वो वो आता है देखो बेसिकली क्या है उनका जो म्यूज़िक है वो हमारा ही है हमारे यहाँ से गया है यू नो हिस्से तो हम हमारे सरहद के बन गए लेकिन है तो पूरा इंडिया ही देखा जाता है ही ना ही पूरा भारत का ही भारत जो भारत हमारे ही ही जो ही क्लासिकल वहाँ का है या वहाँ की गज़लें जो हैं और वो बाकी जो भी हम म्यूज़िक सुनते हैं इट इज़ ऑल इंडिया सो इट्स टोटली बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ के कुछ लोगों ने उन लोगों को ज़्यादा यूज़ किया ये सोच करके हम लोग शायद इतने केपेबल नहीं है तो वो एक दुख रहता है दैट इज़ द रीज़न दिस हेट्स यूर अंडर एटेड और आई एम आई फील लक्की दैट देर आर पीपल हु लव मी सो मच एंड एम वन वन सेलिब्रिटी सिंगर हो हु गैट्स ट्रोल्ड वेरी लेस नो अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं जो उनको ट्रोल किया जाता है मेरे आप गाने यूट्यूब पर भी देखेंगे कहीं देखेंगे तो उसमें नाइनटी नाइन परसेंट जो है आपको पॉजिटिव कॉमेंट्स ही मिलेंगे सो आई फील वेरी लक्की एंड बहुत खुशी yes, होती है ये जानकर yes, yes. लेकिन ये तो आपने मुझे जो रीजन दिया ये आपकी नाराजगी सरहद पार लोगों की वजह को आई I मीन mean, को लेकर है नहीं नाराजगी नहीं कहूंगा हमारे यहाँ के लोगों के साथ नाराजगी हमारे यहाँ के लोग सरहद पार के लोगों से नहीं है अच्छा, आपको वो यहां अच्छे काम नहीं देते तो हम क्यों उनको दोनों साइड से बराबर अभी काफी बेटर हुआ है जो कुछ साल पहले जो लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया उसके बाद से हमारे यहाँ के लोगों को वहां के कोक स्टूडियो को हमारे कोक स्टूडियो से बेटर मानता हूँ हमारे भी बहुत अच्छे musicians ने काम किया no, no, uh, no और uh, कोई ऐसी मतलब गलत बात नहीं but वो लोग का जो कोक है that's far better. Hmm. But वहाँ, आप देखो शिल्पा राव के अलावा उन्होंने कितने Indian singers को वहाँ पे बुलाया या गवाया है नहीं गवाया राइट right? right, right, so right. हम भी डिजर्व करते हैं वहाँ पे वहाँ के कोक स्टूडियो right, में गाने right. के लिए बट नहीं ऐसा हुआ तो so अगर वो नहीं है तो फिर हम हमारे यहाँ पे लोग इतने ज्यादा यू नो उदारवादी क्यों यू नो

मतलब जब मैं आपके जैसा इतना उमदा सिंगर और इतने आप मल्टीलिंगुअल सिंगर हैं

कि यार ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो सकता है उनमें से भी एक ऐसा इंसान हूँ जिसके साथ ऐसा हो सकता है उस चीज़ के साथ कोप करना सीख गया हूँ मैं अभी भी समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री में मैंने सिर्फ ट्वेंटी परसेंट हासिल किया है एट्टी परसेंट अभी भी करना बाकी है एक अच्छी बताएँ uh, हमारे इंडस्ट्री की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि हम Uh, जैसा हमारे देश में आज की डेट में चल रहा है कि ये धर्म वो धर्म जब हम किसी शूटिंग पर जाते हैं द मोमेंट वी एंटर द गेट ऑफ स्टूडियो जो वॉचमैन है हम उसका धर्म नहीं देखते ही कैन बी अ मुस्लिम ही कैन बी अ सिख ही कैन बी अ हिंदू ही कैन बी अ क्रिश्चन वो सलाम करता है अंदर जाते हैं गाड़ी पार्क करते हैं स्पॉट बॉय आता है यू you नो know, एक अलग अलग मजहब से फिर हम अंदर जाते हैं फिर कैमरा में हैं हमारे टेक्नीशियंस हैं हमारे यू you नो know, फिर आर्टिस्ट हैं मेकअप के हमारे ज, 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 जितने भाई बहन हैं और हेयर से जुड़े जो भी हैं

अब करोड़ फिल्म पे लगा रहा है खुद तो पहले चाहेगा कि मेरे बच्चे काम करें 100%. आप और मैं मैं होंगे उस जगह में तो हम भी यही सोचेंगे कि कि कहना चाहता हूं कि आप फिर ऑडिशन लेकर लोगों का टाइम वेस्ट ना करें ओके okay. अगर आपको अपने घर के लोगों को ही काम देना तो है दिखावा तो, क्यों तो दिखावा आपने मुझे लगता है फील किया है है एक म्यूजिक राइटर हैं जिन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया और अब सबने शुरू कर दिया लोग कन्फ्यूज हैं कि कौन सा सिंगर किस गाने में जाएगा किसी को भी बुला लेते हैं और लोगों को फ्री में गवाए जाते हैं उनको पैसे नहीं देते दे डोंट दे पे they don't, they don't एक गाने के लिए अगर पंद्रह सिंगर को ट्राई किया जा रहा है hmm. वो प्रोड्यूसर के कहने पे भी हो सकता है वो यू नो डायरेक्टर के कहने पे भी हो सकता है या फिर कंपोज़र खुद चाहे वो भी अपने हिसाब से करते, करते होंगे तो व्हाई व्हाई यू हैव टू कॉल सो मेनी पीपल पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था आपकी आंखों पता था कि ये

कोई कहां से आता है दस दस बारह बारह घंटे आपके स्टूडियो में वेट करता है आप उससे गाना गवाते हैं hmm. तो आप खुद एक आर्टिस्ट होकर एक आर्टिस्ट के साथ बुरा कैसे होने देते हैं hmm. आप करोड़ों रुपया एक फिल्म के लिए ले रहे हैं एक, एक, फिल्म का म्यूजिक करने के लिए तो उसमें से आ, आप अगर दस हजार रुपए भी एक सिंगर को दे देते हैं कि भैया आपने गाया अभी कंफर्म नहीं है आपकी आवाज में आएगा कि नहीं गाना यू नो तो बट ये एक टोकन रख लीजिए हम आपको देते हैं बेचारे के दस खर्चे निकल जाएंगे उस दस से

इट्स एन एन आर्ट यू यू आर्टिस्ट डू दिस टू नहीं तो वो मत करिए तो मेरी ये दुआ है ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कोई भी कंपोजर हमारे ये प्रोग्राम को देख रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करें बिकॉज एवरी पर्सन हैज नीड एंड दिस सिटी इज वेरी नो इट्स इट्स अ लवली सिटी बट क्रूअल इन द सेंस कोई किसी का नहीं है और महंगाई इतनी है कि अगर सर्वाइव uh, करना है तो यू नो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इसी से जुड़ा मेरा जो गाना है मौला मेरे लेले मेरी जान चकदे का गाना सलीम सुलेमान का म्यूज़िक है इसमें तो सलीम मर्चेंट इज़ अ वेरी ईमानदार कंपोजर उन्होंने मुझे बताया जब मौला मेरे लेले मेरी जान के लिए मुझे बुलाया था तो उन्होंने क्लियरली मुझे बताया था कि दिस सॉन्ग इज़ मेंट फॉर सम एल्स कृष्णा बट आई हैव अ कन्विक्शन आई हैव अ बिलीफ दट यूट टू डू जस्टिस टू दिस सॉन्ग सो आई वॉन्ट टू ट्राई योर वॉइस फॉर दिस होप आदित्य चोपड़ा जी लाइक्स इट सो आई सेड ओके फाइन वाई नॉट तो ये एक ये ईमानदारी होनी जरूरी है हर कंपोजर में कि आप सिंगर को सच बात बता दें आ, लोग आजकल क्या गोल मोल बातें करते हैं पेमेंट तो कर, करना दूर की बात है ऐसा नहीं होना चाहिए आप खुद एक आर्टिस्ट अगर हैं तो आप दूसरे आर्टिस्ट का दर्द समझना जरूरी, जरूरी है, है तेरे संग खेली होली तेरे संग थी दिवाली तेरे अंगनों की छाया तेरे संग सावन आया फिर ले तू चाहे नजरें चाहे चुरा ले लौट के तू आए गारे शर्त लगा ले तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मोला ही मौला मेरे ले ले मेरी जान क्या बात है सर आपने दिल से बातें भी करी और दिल से गाया भी बिल्कुल सडनली गाया एकदम से हाँ मतलब मेरे बिना बोले आपने गा दिया बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि देखिए जब मैं खुद एक आरजे रह चुका हूँ ठीक है और आपके कहते हैं ना कि एंटी ने जुड़ जाते हैं जब अच्छा बात करते करते पता चल जाता है कि आप क्या बोलने वाले हैं क्या बोलने वाले हैं तो अभी क्या लगता है आपको मैं आपको कौन से गाने के लिए रिक्वेस्ट करने वाली मुझे लगता है शायद मेरा इंतकाम देखेगी चलिए क्या बात okay. है <clears throat> जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहल को भुगतेगी मेरे गम को मेरी आह के कहल को अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि, कि एक इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को बस बीटिंग ये गाना चला के तो तब देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि पहली बार किसी गाने के साथ ऐसा कुछ हो रहा है आई I मीन mean, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों ऐसा ना करें प्लीज आपको अब अगर अब आपकी आवाज ही ऐसी है सर अच्छा मैं मतलब यस सर इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ योर वॉइस मतलब मैं yes, sir, आवाज सुन लो कटाई करना चाहता नहीं नहीं, अरे नहीं मैं अरे कैसी बातें कर रही हैं आप माय गॉड बैडमैन नहीं हो मैं मैं एक बात कहूंगी कि आवाज तो हर कान तक तो हर आवाज पहुंच जाती है बट आई एम नॉट एग्जाजरेटिंग आपकी ऐसी आवाज़ है जो दिल तक पहुंचती है अब so उसको लोग पॉजिटिव ले, ले तो 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 है। तो हैं भगवान ने आपको ऐसी आवाज दी मौला जान ले लेंगे क्या मैं खुद आपके आपके गाने सुन के मैंने ब्रेकअप मनाया है अच्छा मैं जहाँ रहूँ सुन के आज भी मैं रोती हूं फिर कहीं तो बीते कल की जड़े दिल में ही उतर जाती है आपके ब्रेक ब्रेकअप मुझे आ मुझे लग रहा है आप चाहते मेरे कहीं जो धागे टूटे तो मालाएं बिखर जाती हैं कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है बस या ब्रेकअप किया है। ठीक है आप हंस रहे हैं देखिए अच्छी बात है कि हमारे गानों से लोग दुखी नहीं होते हंसते हैं खुश होते हैं तो आ, मेरा इंतकाम देखेगी एक एंथम बन गया था लोगों के लिए

तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मेरे हो जाता है कि आपने गाने गाए हुए हैं और दो दो महीने तीन तीन महीने कभी कभी सालों तक भी गाने रिलीज़ नहीं होते और कभी कभी ऐसा होता है कि रिलीज़ के चार दिन पहले आपको गाना मिल जाता है ये मेरा इंतकाम देखिए साथ यही हुआ मेरा पहले आनंद राज सर ने गाया हुआ था उन, उनका ही म्यूज़िक है तो हमने इस गाने को दो बार रीडअप किया पहले एक स्केल में गाया फिर हाफ नोट और ऊपर करके गाया तो उनको गाना

यू नो सभी लोग जनरली क्या करते हैं बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज पे टारगेट करते हैं कि जो ऑलरेडी नाम है जिनका बट अनसंग हीरोज को भी सुनना लोग चाहेंगे समझना चाहेंगे उनकी जिंदगी की जो यू नो उतार-चढ़ाव मोटिवेशन और प्रेरणा मिलेगी ना।, ना हम चाहते हैं कि उन्हें <coughs> प्रेरणा मिले सो रियली अप्रिशिएट ऐसी कौन सी जगह है जहां आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव फील करते हैं माउंटेंस थ्री बुक्स अकॉर्डिंग टू यू एवरी सिंगर शुड रीड रीड लियो टॉल्स्टॉय की कहानियाँ जो है वो पढ़ना बहुत मुझे बहुत पसंद है वो आप पढ़ें प्रेमचंद की कहानियाँ हैं वो आप पढ़ें वो बहुत अच्छी हैं और फिल्म फेयर ओके okay, okay. आपकी एक क्वालिटी जो आपको बहुत अच्छी लगती है ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं एक, है, एक एक जो है है कि मैं एक नए इंसान हूँ मेरे जो अपब्रिंगिंग है, है आ, मेरे पेरेंट्स ने अच्छे वैल्यूज़ दिए हैं उन पर मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ एंड मैं कभी अपने रूट्स को नहीं भूलता किसी इंसान ने मेरे लिए अगर थोड़ा सा किया है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ एंड नवर फॉर फेवर्स आपकी एक ऐसी आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती मैं गालियाँ बहुत देता हूँ योर ऑल टाइम फेवरेट सिंगर देखिए अपार्ट फ्रॉम द लेजेंड्स हां जी मुकेश hmm. जी लता मंगेशकर जी यू नो एंड आशा जी इन सबको छोड़ने के बाद अलग से आई लव सोनू निगम ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट सिंगर इंडिया प्रोड्यूस्ड एंड उनकी जो गद्दी कोई हिला नहीं सकता अगले मे बी 100 इयर्स तक एंड अरिजीत आई लव हिम इन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में ही इज अ वेरी वेरी ब्लेस्ड आर्टिस्ट एंड ही brilliant great um uh, your all time favorite music composer ah uh, एक नहीं बोल सकता हूँ uh, तो इसीलिए मैं उनका नाम लूँगा अभी के जितने कंटेम्प्रेरी हैं सबके साथ मैंने काम किया रहमान सर को छोड़ आई वुड लव टू वर्क फॉर हिम बट आर डी बर्मन साहब और एस डी बर्मन जी का अगर नाम लें आप तो देर इज अ फिल्म कॉल्ड मैन ऑफ ऑना वन सजेशन राहत okay. तो फते रात साहब आप किशोर दा के गाने भी गाया करें कभी कभार हम सुनना चाहेंगे कि कैसा साउंड करता है आपकी आवाज़ में नुसरत साहब तो आप बहुत अच्छा गाते हैं क्योंकि आप उसी फैमिली से हैं तो किशोर दा के कुछ गाने कभी गाइए एक आधा कवर आपका देखना सुनना चाहूंगा इतनी बेहतरीन फिल्में क्यों बनाते हैं सर आप अच्छा। थोड़े नॉर्मल फिल्में भी फिल्म नहीं दे रहा हूँ इतनेवी सेट्स इतने वो ऑब्वियसली दे देर देर ग्रैंड फिल्म आई एम नॉट वो बट मैं चाहता हूँ कुछ नॉर्मल फिल्में भी बनाएं सर जिसमें कि हम लोगों को भी गाने का मौका मिले

अमित जी आप आ, मेरी आवाज लेके बैठे और मैं के के बैठा हूं। ऐसा क्यों आप मुझे अपनी आवाज़ आवाज़ दे दीजिए वापस और अपनी ले लीजिए सर थैंक थैंक यू यू क्या बात है Wonderful. जी श्रेया घोषाल मेरा वॉइस 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 कुमार मेरी आवाज वापस कर दो ए वापस कर दो अनु मलिक जी अनु मलिक जी ओके देखो आवाज मेरी दे दो इट्स ट्रेनिंग इट्स ट्रेनिंग इट्स ट्रेनिंग मेरी आवाज वापस कर दो कृष्णा आप दिल से हमारे साथ जुड़े आपने काफ़ी दिल से बातें करी हमें एंटरटेन के लिए किया इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बैठकर बातें की गुफ्तु की आज दिल से कुछ नहीं तो जनरली क्या होता है इंटरव्यू शोज़ में वो ओपन अप नहीं होने देते हैं वो कहते हैं नहीं ये मत बोलिए वो मत बोलिए आपके यहाँ पर सबसे बेस्ट बात यह है कि आप लोगों ने मुझको बेबाक बोलने की इजाज़त दी थैंक यू सो मच फॉर देट वेलकम सर और ये छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच तो थैंक्स फॉर दिस गिफ्ट आय गाइज दिस इज बॉलीवुड सिंगर कृष्णा ब्योरा और आप देख रहे हैं आर विजन का आर रागा बहुत ही बेहतरीन जी हाँ बहनों भाइयों बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू वाला शो है जो जिसमें कि आप बहुत ही उम्दा कलाकारों को देखेंगे उनके बारे में जानेंगे उनके बारे में सुनेंगे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर जो घंटा है उसको जरूर दबा दें तो आपको जो भी अपडेट्स होंगे इस चैनल के कभी मिस नहीं करेंगे सो गाइज हैव फन एंड लव यू ऑल